नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। दिग्गज साउथ और बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को चेन्नई की एक अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। वहीं साथ ही कोर्ट ने एक्ट्रेस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और मिली जानकारी के मुताबिक ये सजा सालों पुराने चल रहे एक कोर्ट केस में सुनाई गई है, जिसमें कथित तौर पर अदाकारा पर उनके स्वामित्व वाले एक थिएटर कर्मचारियों को उनकी सैलरी ना देने का आरोप था। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा पर उनके चेन्नई के रायपेट स्थित पर एक थिएटर के कर्मचारियों ने केस दर्ज करवाया था और इस केस में कर्मचारियों का थिएटर प्रबंधन ने भुगतान नहीं किया था और जिसके बाद कर्मचारियों ने प्रबंधन और अदाकारा जयाप्रदा पर केस दर्ज करवाया था और इस पर अदाकारा ने स्टाफ को पूरी सैलरी देने का वादा भी किया था और साथ ही केस रद्द किए जाने की याचिका भी डाली थी, जिस पर लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वकील ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और सालों से चल रहे इस केस पर आखिरकार सुनवाई के बाद अदालत ने अदाकारा को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी है और साथ ही उन्हें प्रत्येक कर्मचारी पे 5,000 रुपए का जुर्माना भी भरने को बोला गया है। वहीं अदाकारा जयाप्रदा काफी लंबे वक्त से फिल्मों से दूर हैं। वो एक्टिंग के बाद राजनीति में एक्टिव रहती हैं, जिसके बाद वो समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर से 2 बार सांसद रही। वहीं अदाकारा 70 से 80 के दशक की बड़ी स्टार रही हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु सिनेमा पर भी राज किया था। वहीं अदाकारा की खूबसूरती की तुलना उस वक्त की अभिनेत्री श्रीदेवी से होती है। वहीं अदाकारा ने अपनी फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। उनकी सबसे सफल फिल्में माँ, शराबी, सरगम, संजोग और घर घर की कहानी थी। वहीं अदाकारा ने सालों तक करोड़ों सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर भी राज किया था, बट आज वो 6 महीने की जेल उनको दी गई है और प्रत्येक कर्मचारी पे उनको 5,000 का जुर्माना भरने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो इस तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।